नमस्कार दोस्तों, एक बात तो सभी को जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह भूल गए हैं कि हम खुद भी इंसान हैं और हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। यह बात तो हमको पता है कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत कई हजार साल पहले हो चुकी है, लेकिन जब पहली बार करीब 1 लाख साल पहले इंसान इस धरती पर आए तब हमारी धरती पूरी तरह से हरी भरी थी और चारों तरफ शांति फैली हुई थी। लेकिन अगर धरती पर की शांति को दूर ना करें तो हम इंसान कहलाने के लायक थोड़ी होंगे। पिछले 200 सालों से हम इंसानों ने औद्योगिकरण के पीछे ऐसी दौड़ लगाई है मानो कि हमारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा हो और हम भागे नहीं तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। यह सिलसिला पिछले 200 सालों से लगातार चलता आ रहा है और अगर इसके पीछे कोई हमने ठोस कदम नहीं उठाया तो इसका खामियाजा हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी स्थिति पर आ पहुंचे हैं जहां से सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ विनाश ही मिलने वाला है। पिछले 3 सालों से कई देशों के वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हम दिन प्रतिदिन विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो से देखते हैं कि आने वाले सालों में हमारे सामने कौन सी समस्या आने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के भी आइकन को दबा लें। लगातार 3 साल के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि हम इंसान एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले कुछ सालों से इंसानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज यह जनसंख्या करीब 770 करोड़ के पार पहुँच चुकी है और यह लगातार बढ़ती हुई 2050 तक 980 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इस बेकाबू हो रही जनसंख्या का ना कोई तोड़ नजर आ रहा है और ना ही कोई विकल्प। अगर हम आज से भी कोई ठोस कदम उठाते हैं तब भी 2050 तक आने वाले विनाश को रोकने के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। 21वीं सदी में इंसानों ने सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से प्रगति की है, लेकिन क्या इस प्रगति में हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या कुछ पीछे तो नहीं छूट गया? हाँ बिल्कुल, हम भूल रहे हैं पर्यावरण को। हमने इस विकास की गति के लिए भारी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। अगर आज पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, आज से 30 साल बाद यानी कि 2050 में हर साल लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ वायु प्रदूषण से ही मर जाएंगे। इसके अलावा 2050 तक हमारी धरती का औसतन तापमान 3 डिग्री और भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पूरी धरती का मौसम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण दुनिया भर में मौजूद सभी ग्लेशियर का स्तर पिघलने लगेगा जिसकी वजह से समुद्र स्तर लगभग 1 फीट तक आगे बढ़ जाएगा जो आसपास के इलाके को पूरी तरह से डुबो देगा। अगर बात करें जंगल की कटाई के बारे में तो अगर जिस तरह से हम आज जंगल का विनाश कर रहे हैं यह सिलसिला चालू ही रहेगा तो करीब 169 गीगाटन यानी कि 630 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में चला जाएगा जो धरती पर विनाश लाने के लिए काफी है। अगर बात करें जीव वैज्ञानिकों के अनुमान की तो उनके अनुसार अगर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2050 तक दुनिया में से आधी प्राणियों और पक्षियों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। इंसानों की वजह से 30 सालों में ही करीब 1 लाख प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं तापमान की। सन 1980 तक भारत का तापमान करीब 29 से 30 डिग्री के करीब हुआ करता था। उस वक्त गर्मी के मौसम में बहुत कम गर्मी लगती थी और बरसात के मौसम में हर वक्त बारिश हुआ करती थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज भारत के अधिकांश शहर में गर्मी 45 से 46 के आसपास रहती है और यही तापमान 2050 तक 50 से 55 डिग्री तक पहुँच जाएगा और राजस्थान जैसे प्रदेश में तो यह आंकड़ा 60 डिग्री को भी क्रॉस कर जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। अब बात करते हैं कचरे की तो आज तक करीब 165 अरब किलोग्राम प्लास्टिक समुद्र में पहले ही डाला जा चुका है और हर साल 8 अरब किलोग्राम प्लास्टिक समुद्र में डाला जा रहा है। इस तरह से देखें तो आने वाले 30 सालों में हम इंसान करीब 240 अरब प्लास्टिक का कचरा समुद्र में डाल चुके होंगे जिसके कारण वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि सन 2050 तक समुद्र में भारी मात्रा में मछलियां खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा होगी।
चलिए एक नजर डालते हैं इंसान द्वारा इस्तेमाल हो रही कंडीशनर की वजह से कितना तापमान बढ़ गया है। कंपनी ने बेवजह सभी लोगों को एसी की आदत डाल दी है। हमारी धरती का तापमान बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका एसी की है। एसी में से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरो कार्बन और हाइड्रोफ्लोर कार्बन की वजह से हमारी धरती सबसे ज्यादा गर्म हुई है। दोस्तों, जिस धरती ने हमको जीवन दिया, रहने के लिए मकान दिया और खाने के लिए अनाज दिया, उसी धरती का सीना आज हम इंसानों ने छलनी छलनी कर दिया है। धरती की नस में बहने वाले पानी को हमने खत्म कर दिया है। हरी भरी धरती की चादर को बंजर बना दिया है। यदि हम अब भी नहीं रुके तो धरती पर के सभी जीवों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और तब कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय हाथ पे हाथ रखकर देखने के अलावा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।